इस बीच तुर्की ने चेतावनी दी कि सीरिया में उसका मिलिट्री ऑपरेशन कभी शुरू हो सकता है, और यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब रूस तुर्की और सीरिया को बातचीत की टेबल पर लाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन तुर्की तो जंग लड़ने के मूड में है। कम अज कम अर्दोगान के विदेश मामलों के सलाहकार के बयान से तो ऐसा ही लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीरिया में किसी भी समय मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है और तुर्की खतरे के स्तर के हिसाब से फैसला लेगा। ये बयान असद के उस बयान के दो दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तुर्की से सीरिया के हिस्से से हटने के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद तुर्की ने अलग ही तेवर दिखा दिए, जिससे साफ हो गया कि तुर्की नहीं मानने वाला और वो सीरिया में वही करने के मूड में है जो वो चाहता है। तुर्की सीरिया के असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों का साथ देता है और उस पर उन्हें हथियार देने और सीरिया में गृह युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लग चुका है। लेकिन अब वो कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर सीरिया में घुस रहा है, जो सीरिया की बशर अल असद सरकार के लिए दोगुनी मुसीबत का कारण बन गया। हालांकि रूस की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला सुलझ जाए। खबर है कि तुर्की और सीरिया के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन इन खबरों के बीच तुर्की ने एक बार भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वो शांति चाहता है, क्योंकि अब वो सीरिया के विद्रोहियों की नहीं बल्कि कुर्द लड़ाकों की बात करता है। उसने दलील दी कि उसकी सेना के निशाने पर कभी सीरिया के आम लोग नहीं रहे। लेकिन कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर उसने जिस तरह से उत्तरी सीरिया में तांडव किया, उसने सीरिया के सब्र का बांध तोड़ दिया, क्योंकि सीरिया की ओर से बयान आया कि उसके और तुर्की के बीच हालात तभी सामान्य होंगे जब वो उन हिस्सों से हटेगा जहां वो जबरदस्ती घुसा था। ये बयान सीरिया और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद आया और कहा गया कि सीरिया और तुर्की के बीच चल रही बातचीत से ईरान खुश है, जबकि तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान के विदेश मंत्री तुर्की का दौरा करने वाले हैं। जिसके बाद अटकलें लगी कि तुर्की ईरान को सीरिया से दूर करना चाहता है, क्योंकि ईरान और रूस सीरिया की सरकार के साथ हैं और चाहते हैं कि तुर्की सीरिया से निकल जाए या फिर वहां हमला ना करे। लेकिन तुर्की कभी वहां के विद्रोहियों के जरिए सीरिया में उत्पात मचाता है तो कभी खुद ही सीरिया में घुस जाता है और कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर वहां तांडव करता है, और पिछले कुछ महीनों से तो वो सीरिया के संग जंग लड़ने के संकेत दे रहा है। और इधर मैरिटल रेप के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाल की बेंच कर रही है, जिसने मैरिटल रेप यानी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी किया। इस मामले में केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। और उधर खबर है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए रूसी सेना ने अब जैमिंग स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सैनिक एक ड्रोन को नाकाम करता दिखाई दिया। जैसे ही रूसी जवान ने कमांड दी, वहां पास में उड़ रहा वो ड्रोन जमीन पर जा गिरा। खबर है कि बीते कुछ दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना भी उस पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। बताया जा रहा है कि दोनों देश अब ड्रोन का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। दावा है कि इसीलिए पुतिन की फौज अब जैमिंग स्टेशन बना रही है। बताया जा रहा है कि इनके जरिए वो दुश्मन के ड्रोन पर नजर रखते हुए उसे ढेर कर रही है। रूसी सेना के मुताबिक जैमिंग स्टेशन के जरिए 150 किलोमीटर के दायरे में वो दुश्मन के ड्रोन को ढेर कर सकती है।